नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। ये दिखाते हैं आपको दिन भर की बड़ी खबर। नमस्कार, फरीदाबाद, मैं अभय गिरी केमास न्यूज़ से। जैसा कि आपको पता है कि आज बीके चौक के पास ऑल इंडिया रैली हंगरी स्ट्रीक की तरह डॉक्टरों द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आपको पता होगा कि फरीदाबाद में अनेक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि आयुर्वेदिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपनी बिना पूरी पढ़ाई के कारण भी वे सर्जरी कर देते हैं। उसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हर जगह बैनर लगाए गए हैं। आइए बात करते हैं कि ऐसी क्या बात है कि इनको आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सर नमस्कार, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। हाँ जी, क्या आखिर आज कारण रहा? सबसे पहले आपका नाम और डेजिग्नेशन जानेंगे। मैं डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हूँ, मीडिया प्रभारी IIM फरीदाबाद का। तो सर आज क्या कारण है जो आप यहाँ पर बैठे हैं? आज यहाँ जो बैठने का कारण है, जो भारत सरकार ने एक जो नई नीति बनाई है जिसके अंदर आयुर्वेद के डॉक्टर्स को डिफरेंट तरह की सर्जरी करने की परमिशन दी जा रही है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये जो नई नीति बनाई गई है, इसमें आम पब्लिक को बहुत नुकसान होने वाला है। जो 2 साल के अंदर ही जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, ये अलग अलग तरह की सर्जरी करना सीख जाएंगे, तो इससे इमेच्योर डॉक्टर्स प्रोड्यूस होंगे और ये अलग अलग तरह की सर्जरी करेंगे, इससे लोगों को नुकसान होगा, ठीक तरह से सर्जरी नहीं कर पाएंगे। हमारा ये मानना है कि सरकार को इस नीति को विदड्रॉ कर लेना चाहिए। अभी तक आपने जो मांगे रखी हैं, इस पर कोई सुनवाई हुई, कोई कार्रवाई? अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, पर ये हमारी ये पूरी ये जो आज स्ट्राइक है पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रही है और हम पूरा प्रेशर डाल रहे हैं सरकार पे कि इस नीति को विदड्रॉ किया जाए। अगला कदम आपका क्या रहेगा अगर इसके बाद? अभी हमारा ये जो पखवाड़ा चल रहा है 1 तारीख से लेकर 14 फरवरी तक का है, पूरे इंडिया में चल रहा है, तो जो हमारे को हेडक्वार्टर से आगे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उसके हिसाब से आगे फॉलो करेंगे इसको। तो क्या लगता है आपको, मतलब जो आयुर्वेदिक है वो शिक्षा पद्धति में किस तरीके से भूमिका निभा रहा है लोगों के लिए? नहीं, आयुर्वेदिक बहुत अच्छी पद्धति है, हमें आयुर्वेद का कोई विरोध नहीं है। हमारे को हम चाहते हैं कि इसके अंदर रिसर्च होनी चाहिए, इसको आगे बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन इसको एलोपैथी के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदिक अलग तरीके से चलना चाहिए, एलोपैथी अलग चलनी चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। आपने जो बैनर से और बोर्ड आज होर्डिंग लगा रखी है, इस पर खिचड़ी लिख रखी है, मिक्सोपैथी लिख रखा है, इसका क्या दर्शाना चाहते हैं? हाँ, इसका वही हम कहना चाहते हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको आयुर्वेद की पत्ती में ही काम करने देना चाहिए। जो इस पॉलिसी के अंदर इन्होंने क्या किया है कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको ये अलाउ किया गया है कि वो एलोपैथी की पत्ती को यूज़ करते हुए सर्जरी करें। इसका मतलब यह है कि वो आयुर्वेद का काम भी करेंगे और एलोपैथी को यूज़ करते हुए एलोपैथी की सर्जरी भी करेंगे, तो ये खिचड़ी हो जाएगी। इसमें क्या है कि वो उनका आयुर्वेद खत्म हो जाएगा और वो कुछ एलोपैथी यूज़ करेंगे, कुछ आयुर्वेद यूज़ करेंगे, जिससे वो दोनों को यूज़ करते हुए दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी उनके लिए। क्या लगता है अगर वो सर्जरी करने पर उतरते हैं तो सफल हो पाएगा उनका? नहीं, इससे पब्लिक को नुकसान होगा, क्योंकि जो आम आदमी है उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये किस चीज़ के सर्जन है। वो एक बोर्ड लगा होगा जिसमें लिखा होगा MS सर्जरी, अब आम आदमी को पता नहीं है कि MS कौन सा एलोपैथी का सर्जन है या आयुर्वेदिक का सर्जन है। वो तो ये बेचारा सोच जाए भाई MS सर्जरी का डॉक्टर है ये, चलो ये सर्जरी का डॉक्टर, इससे सर्जरी कराने चले जाते हैं, तो वो बेचारा भटक जाएगा और अपना नुकसान करा के आ जाएगा जाके। आज इस प्रदर्शन में कहाँ कहाँ से डॉक्टर आपके साथ संग में? ये हमारे फरीदाबाद के डॉक्टर हैं जो लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, और ये हमारा एक सांकेतिक वो हड़ताल है ये, जिसमें जो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे कुछ कुछ डॉक्टर बैठे हैं, बाकी हमारा काम सब जगह चल रहा है, हमने कोई काम बंद नहीं किया हमने। यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे फरीदाबाद के सभी डॉक्टर उपस्थित है जो कि जाने माने हॉस्पिटल के हैं। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए केमास न्यूज से, मैं अभय गिरी, धन्यवाद। ये हमारा सरकार की एक नीति, जो CCM के कहने पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि आयुर्वेदिक जो पैथी के डॉक्टर्स हैं उनको सर्जरी सिखाने वाले हैं, और सर्जरी भी ऐसी वैसी नहीं, आंखों की, नाक कान गले की, दांतों की, और दूसरी सर्जरी जो बहुत मेजर सर्जरीज हैं, जो कि हमारे अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं MBBS के लिए PG क्लियर करने के बाद उनको 15 साल लग जाते हैं इस लेवल तक पहुंचने में, और सरकार उनको 2 साल में ही ये बनाने जा रही है, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ये इससे अल्टीमेटली नुकसान जनता का ही होने वाला है। अभी आज कल में जितने हमारी प्रदर्शन शुरू है 1 फरवरी से, हम जितने लोगों से मिले उनको इस बात का अभी तक ये नहीं पता चल रहा था, उनको लग रहा है कि डॉक्टर्स के खिलाफ है ये सब,
तो जब उनको समझाया गया कि डॉक्टर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आपकी जो जनरल पब्लिक है, जो गांव की जनता है, जो बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते, उनके 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 लिए खराब होने वाला आगे चल के। और दूसरी बात है कि आपको उसमें उसमें ये नहीं बता रहे कि उस डॉक्टर को आगे अपनी डेजिग्नेशन क्या लगाएगा। जैसे आयुर्वेदा में हमारे को एलोपैथी में डॉक्टर लिखना अलाउड है, उनको अपना लिखना चाहिए कि हम वैद्य हैं या जो भी है आचार्य है वो लिखना चाहिए, वो भी नहीं लिखते, तो ये कितना मिसगाइडिंग हो जाता है। जनता की अगर बात करें तो वो कैसे फैसला करेंगे कि ये एमबीबीएस डॉक्टर है या आयुर्वेदा डॉक्टर है? यही तो हम चाहते हैं, इसमें क्लैरिफिकेशन आना चाहिए ना कि अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर लिखे हुए वो हिंदी में लिखे बड़ा बड़ा कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो उससे पता चलेगा। अब ये छोटा सा लिख देते हैं एमएस एमडी ब्रैकेट में आयुर्वेदा, वो भी गलत है ना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको हर चीज क्लैरिटी होनी चाहिए और पब्लिक के इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आप लो ना लो, लेकिन जिसके लिए पॉलिसी बना रहे हो मतलब उनको भी लेना चाहिए, क्यों नहीं ले उनको। मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि उनको पॉलिसी के लिए नहीं लिया, आप गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से पब्लिक को भी लो और जिनके लिए डॉक्टर्स के खिलाफ आप कर रहे उनके उनको भी पॉलिसी मिलो। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इस सीसीएम को बंद किया जाए। जैसे आपने हमारा पहले कहा था कि हम वो करेंगे, आधे हम किसी को करा देंगे 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा देंगे, उसमें समझ आई, जनता ने भी रोष प्रकट किया, फिर उनको समझ आया। क्योंकि जब हमने बोला कि आप अपना इलाज इनसे कराओगे 6 महीने के ब्रिज कोर्स वाला से, उन्होंने नहीं। तो अब यही क्वेश्चन हम फिर पूछते हैं सरकार से, क्या आप इन आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी सर्जरी कराएंगे, अपनी फैमिली की सर्जरी कराएंगे? बिल्कुल जवाब आएगा नहीं। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर डॉक्टर्स कम है इस तरह से डॉक्टर बढ़ा देगी, तो ये गलत सोच है। आपको डॉक्टर्स बढ़ाने हैं, अपना जीडीपी का खर्चा, अपना जो है उसमें हेल्थ बजट का खर्चा बढ़ाइए, आप अपने मेडिकल कॉलेज सुधारिए, आप उसमें बेड्स की सुविधा बताइए और मेडिकल एडमिशन बढ़ाइए। जो भी आना चाहता है, जो भी आप सर्जन बनना चाहते हो, तो आप पहले 12वीं तक अच्छे से पढ़ाई करो, नीट का एग्जाम क्लियर करो और सीधे रास्ते से आओ, बैकडोर से एंट्री हमें कमजोर नहीं है। आपके विरोध करने पर कोई कार्रवाई सुनवाई हुई है इस मामले में? देखो हो ही रही है, हम कर रहे हैं, पूरे देश भर में 1 से 14 तक चल रहा है। हमारा काम पब्लिक को भी अवेयर करना है, जब पब्लिक इस कानून को नकार देगी तो सरकार को अपने पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले ही सरकार इसको वापस ले ले, तो ये हमारी रिक्वेस्ट।